अर्पिता, अर्पिता मेरी वॉच कहाँ है? जाना जरूरी है क्या आपका? अर्पिता, यू नो वेरी वेल ये कॉन्फ्रेंस मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। पर अर्जुन को आपने प्रॉमिस किया था कि इस बार गणेश जी को आप घर लेकर आएंगे, एंड बीइंग हेड ऑफ द फैमिली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम से कम गणेश जी की स्थापना तो कर दो। अर्पिता, तुम्हें पता है ना, मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं रखता। प्लीज तुम संभाल लो। अच्छा अब छोड़ो, वेर इज अर्जुन? अर्जुन, हे बॉय, ध्यान रखना। अच्छा मम्मी को तंग मत करना ज्यादा। बाय अर्जुन, बाय। शाम तक पहुंच जाऊंगा मैं कॉन्फ्रेंस। ये कैसे गंदे ट्रैफिक में लेके आए हो राजू? आज गणेश चतुर्थी है ना सर, तो थोड़ा ट्रैफिक तो मिलेगा। दूसरे रास्ते से ले लो, ये लोग नहीं समझ पाएंगे क्या मिलता है इन्हें ऐसे बेफुजूल और बेमतलब की हरकतें करके। गणेश जी मिलेंगे ना सर, गणेश जी। तुम मत शुरू हो जाना, गणेश जी ये, गणेश जी वो। जल्दी करो, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी वरना। हो साहब। और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो चैनल, और आज है गणपति बाप्पा का दिन। गणपति बाप्पा पधार रहे हैं हमारे घर में, हमारी बिल्डिंग में और हमारी आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलने वाली है बॉस। तो अगर आपको अपनी फ्लाइट मिस नहीं करनी है तो यार पिता, मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, सो आई एम गोइंग बाय कार नाउ। यू टेक केयर, डोंट वरी अबाउट मी, बाय। हाँ कभी, ओ ठीक है ठीक है ठीक है सर। आगे घाट पे लैंडस्लाइड हुआ है सर। तो अब क्या करें? तो सर सारा ट्रैफिक जाम है। मेरा उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचना बहुत जरूरी है राजू, इस पहाड़ को भी अभी गिरना था। सर आप बोले तो हम ओल्ड हाईवे से चल सकते हैं। तो पूछ क्या रहे हो, ले लो। हाँ हो साहब। अब क्या हुआ राजू? सर ट्रैफिक जाम लग रहा है, सब लोग अपने अपने गांव जा रहे हैं गणपति के दर्शन के लिए। फिर गणपति? नॉट अगेन। लोगों को कुछ काम धाम नहीं है क्या जो गणपति दर्शन के लिए गांव जा रहे हैं? मुंबई में भी तो कर सकते हैं दर्शन, ट्रैफिक जाम करने की क्या जरूरत है? सर हम लोग साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं, गणपति जी हमारे घर आए और हमारे सारे विघ्न दूर करें। और आप और मेरी परेशानियां बढ़ती जाए, मेरे लाइफ में विघ्न पे विघ्न आते जाए, ऐसे है तुम्हारे भगवान? सर फिकर नॉट, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ओ भाव, पुणे जाने के लिए कौन सा रास्ता है? आगे से राइट लीजिए। हाँ वहां से शॉर्टकट। हाँ थैंक यू। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, ले लो जल्दी शॉर्टकट। हो सर। पंचर लग रहा है ये कैसा रास्ता है राजू? यहाँ तो गाड़ी तो क्या, बैलगाड़ी भी नहीं चल सकती है, और तुम इसे शॉर्टकट कहते हो? सर अभी सर सर मत करो, जाओ ढूंढ के लाओ कहीं से पंचर। स्टेपनी है? सर वो भी पंचर है। बस तुम्हारे भरोसे बैठा तो कल्याण हो जाएगा मेरा, जाओ अभी। सर माफ कर दो सर। चल जाता। जाता हूं। जा। ये राजू भी ना गाड़ी लॉक करके चला गया,
ऊपर से ये नेटवर्क प्रॉब्लम। जी वो मेरी गाड़ी खराब हुई थी तो वो मेरा ड्राइवर गया है मैकेनिक के पास, धूप भी काफ़ी है बाहर, तो मैंने सोचा पानी मिल सकता है एक ग्लास। हाँ हाँ आइए अंदर आइए। जी शुक्रिया, बैठिए ना। वहाँ बैठ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे बेटे का गैरेज यहाँ नजदीक में ही है, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। आज गणेश चतुर्थी है ना, मैं पूजा करने जा रही हूँ, आप भी आइए। जी नहीं दादी जी, आप कर लीजिए, मैं विश्वास नहीं करता इन गणेश जी वनेश जी पर। ऐसा क्यों बेटा, गणेश जी तो विघ्न हरता है। गणेश जी को इतनी चिंता होती तो मैं आज यहाँ क्या कर रहा होता। ये प्रसाद लो बेटा और चिंता मत करो, तुम पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक, गणेश जी ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। प्रसाद लो बेटा। दादी जी ये बच्ची कौन है? ये मेरी पोती है बेटा। इसे क्या हुआ? बहुत दिनों से बीमार है, इसके दिल में छेद है। तो आपने किसी डॉक्टर को बताया नहीं अब तक? अब सब गणेश जी के हाथ में है, उन्होंने चाहा तो मेरी पोती ठीक हो जाएगी। फिर गणेश जी आपके पोती को नहीं बचाएंगे दादी जी, आपको किसी भगवान की या गणेश जी की जरूरत नहीं है, आपको एक डॉक्टर की जरूरत है दादी जी। बहुत कोशिश की बेटा, पिछले 2 साल से मुंबई ले जाकर इसका इलाज वहाँ के बड़े मशहूर डॉक्टर अभय दीक्षित से करवाना चाहती हूँ। तो आपने उनसे बात की? पिछले 2 साल से मेरा बेटा अस्पताल के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। हम ठहरे गरीब लोग, शायद इसलिए उनका अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिल रहा है। मेरा पूरा विश्वास है गणेश जी पर, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सर गाड़ी ठीक हो गई? हाँ राजू चलिए। हाँ आ रहा हूँ। दादी जी ये लीजिए आप मेरा कार्ड, और मुंबई आओगे तो जरूर आना, फोन करना प्लीज। जरूर, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है बेटा जी, आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। राजू अब है तुम? ये सब आपने किया? Of course, कुछ गलती तो नहीं की ना मैंने? Impressed? चलो पूजा स्टार्ट करते हैं, गणपति जी को ज्यादा वेट नहीं करवाते। लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से सर सारा है वो जाम हो गया है। ये प्रसाद लो बेटा और चिंता मत करो, तुम पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। ये मेरी पोती है बेटा, बहुत दिनों से बीमार है, इसके दिल में छेद है, उन्होंने चाहा तो मेरी पोती ठीक हो जाएगी। पिछले 2 साल से मुंबई ले जाकर इसका इलाज वहाँ के बड़े मशहूर डॉक्टर अभय दीक्षित से करवाना चाहती हूँ। Oh,